तो राइट नाउ आई एम एट पुणे रेलवे स्टेशन, और जब हम रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो होता है खाने का, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास जो चीज़ें मिलती हैं और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर क्वालिटी का तो आपको हाल पता ही है, ज़्यादा कुछ खास होती नहीं है। पर पुणे रेलवे स्टेशन पे ये परेशानी अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खुला है नागपुर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट, इसका नाम है हल्दीराम। ये 2400 घंटे ओपन रहता है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल रहता है जो जो मेनू में रहता है। आइए यहाँ की कुछ चीज़ें ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि नागपुर का फेमस हल्दीराम रेस्टोरेंट कैसा है। ट्रेन के कोच से बना हुआ हल्दीराम का मील्स ऑन व्हील्स नाम का ये रेस्टोरेंट पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास है। इसका एग्जैक्ट एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये है पुणे रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन है, ये पुणे स्टेशन में जुड़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 का एग्जिट है, इसके जस्ट एग्जिट पे ही आपको सामने में ही दिख जाएगा हल्दीराम का ये रेस्टोरेंट। वैसे तो इस रेस्टोरेंट को ट्रेन के कोच से बनाया गया है, पर जो रेनोवेशन किया गया है उसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। चटक लाल और गोल्डन कलर को यूज करके इसे सजाया गया है, जो हल्दीराम के ब्रांड से भी रेजोनेट करता है। इस रेस्टोरेंट के बाहर दो सेक्शन है, पहला है टेक अवे का और दूसरा सॉफ्टी का, जहाँ से आप चीजें लेकर भी डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से आप आसानी से रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ का इंटीरियर इतना जबरदस्त है, द मोमेंट आई एंटर्ड इनसाइड पूरा मूड ही चेंज हो गया। जो फिनिश है इसके वॉल्स पे वो वुड की गई है, उसके अलावा अंदर बहुत ही प्यारी एम्बियंट सी लाइटिंग है, विच मेक्स यू फील गुड। जब इस स्टेशन के केओस से निकल कर आप जब इस जगह पर आएंगे, सो यू विल बी अश्योर्ड दैट अलॉन्ग विद गुड फूड यू विल गेट एसी विच विल बी वेरी कंफर्टेबल, अच्छा ठंडा रहेगा ये। और उसके अलावा यहाँ का खाना जो कि वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज़ यहाँ पर 24 घंटे ये ओपन रहता है, सो इट डजंट मैटर एट व्हाट टाइम यू आर कमिंग, आपको यहाँ के मेनू में से बहुत सारी चीज़ें 24 आवर्स अवेलेबल मिलेंगी। मैंने यहाँ के मैनेजर से पूछा क्या इसमें जो जो चीज़ें हैं क्या वो 2400 घंटे मिलती है, एंड ही सेड येस, एंड दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज़ ये 2400 घंटे ओपन रहता है, और मेरे जैसे लोगों के लिए जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं उनके लिए और जिनके घर में एल्डर्स हैं वो सारे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नाउ दे कैन कम एंड कम्फर्टेबली ईट एट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पुणे भिलाई से जब मैं आता हूँ तो कई बार 2:45 पर हम पहुँचते हैं तो बहुत भूख लगती है, एंड इट्स वेरी यू नो डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्लेस टू ईट, और स्टेशन के आसपास काफ़ी डर भी लगता है, बट दिस इज़ वंडरफुल प्लेस, क्योंकि एक तो ये सिक्योर है, पुणे मेट्रो स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के जस्ट सामने ही है, पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, और आप खा वा के यहाँ से फ़ौरन का उबर भी ले पाएंगे। ये सबसे पहला आइटम हमारा आ गया है जो है राज कचौरी। हल्दीराम की कचौरी बहुत ही फेमस है नागपुर में, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वहाँ की ये कचौरी कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड जस्ट लुक एट दिस साइज ऑफ दिस कचौरी, मैंने हालांकि थाली भी मंगाई है बट आई थिंक माय स्टमक विल बी फुल आफ्टर ईटिंग दिस। चलो इसे खा के देखते हैं, जस्ट ब्रेक्स अपार्ट वेरी क्विकली। बहुत ही थिक दही यूज़ किया गया है, ऊपर से अनार के दाने डाले गए हैं, बूंदी है, हरी चटनी है, दिस इज गोइंग टू बी डिलीशियस। ऊपर की जो कचौरी की लेयर है पतली है, ठंडा है ये, जिससे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। दही सुपर क्रीमी, हरी चटनी में हल्का सा ही तीखापन है, जो अनार के दाने हैं और जो इसके अंदर इन्होंने आलू रखा है वो एक खट्टा और एक क्रीमी फ्लेवर देते हैं, और जो चटनी है इट्स नॉट दैट स्पाइसी, सो इट गिव्स इट रियली रियली इंजॉयबल टेस्ट। इसमें मीठी इमली की चटनी भी डालते हैं, दैट मेक्स जो इसको और भी ज़्यादा लजीज बनाती है। पुणे में आकर यहाँ की कचौरी में भी यहाँ का एक एलिमेंट आ गया है जो है मटकी, ये देखो इसमें मटकी भी है। कचौरी तो पूरी ख़त्म कर दी मैंने, सफा चट हो गई है देखो। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये मिक्स वेज और पराठा। पराठा जो है यहाँ पर लच्छा पराठा रहता है, इट्स द सेम पराठा विच यू कैन बाय फ्रॉम सुपर मार्केट। लच्छा पराठा के साथ यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे थाली वगैरह भी है। बहुत बढ़िया, मीडियम स्पाइसी है। नागपुर का खाना भी वैसे तो पता है ना आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहता है, पर दिस इज़ नॉट लाइक दैट। जो पराठा है वो थोड़ा सा चुई है, बट के साथ अगर आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ 2400 घंटे चालू रहती है, दैट्स वाई दे हैव यूज दिस काइंड ऑफ आइटम्स, सो दैट उसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत ही कम रहे और उसकी अवेलेबिलिटी वो 24 घंटे रख पाए। बट देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट एंड क्वालिटी, दैट आई कैन गारंटी, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ। ब्रेड में यानी रोटी में यहाँ पर एक ही है ऑप्शन अवेलेबल, विच इज़ लच्छा पराठा। अगर आप ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं ना विच विल बी लाइक ईजी ऑन योर स्टमक, सो आई कैन रिकमेंड यू राइस, क्योंकि राइस में यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। इवन ऐसे राइस बॉल्स भी हैं जिसमें दाल मखनी, पालक पनीर राइस बॉल, कश्मीरी राजमा राइस बॉल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बाउल्स के भी सेलेक्शन है। और इनका जो चटाकेदार चाट स्नैक्स एंड जो सेक्शन है दैट इज़ फेमस थ्रू आउट यू वर्ल्ड।
हल्दीराम के छोले भटूरे भी बहुत फेमस है, इसलिए मैंने उसे भी ऑर्डर कर दिया। छोले भटूरे की प्लेट में दो बड़े बड़े फ्लफी भटूरे आते हैं जिसे आप उंगली से पॉप करते हैं तो बड़ा मजा आता है। उसके अलावा प्याज, आलू का मसाला, तली हुई मसाला, लगी हुई मिर्चें और छोले होते हैं जो काले चने के रहते हैं। दिस इज नाइस। छोले ज्यादा स्पाइसी नहीं है, जो भटूरे हैं सॉफ्ट है, आसानी से टूट रहा है। इफ यू जस्ट ऐड दिस नींबू ऑन छोले तो वो पूरी दिल्ली वाली बात आ जाएगी, आपको मजा ही आ जाएगा खाने में। और बड़ा मजा। डोंट फॉरगेट टू ऐड नींबू। छोले में काले वाले चने यूज होते हैं छोटे वाले, और उसके साथ ये मिर्ची रहती है अचार वाली। इट गिव्स इट अनदर लेवल ऑफ टेस्ट। नाइस, अमेजिंग। सो आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो विद दिस हल्दीराम्स वनीला मिल्क शेक, क्योंकि मैंने मिर्ची चबा ली उसमें, मुँह जलने लगा मेरा। इसको पी के थोड़ा सा तीखापन कम लगेगा। वेरी नाइस, बहुत टेस्टी है, ज़्यादा मीठा नहीं है और वनीला फ्लेवर है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी मिलता है एंड देर इज़ वन अनदर फ्लेवर एज वेल, सो यू कैन ट्राई दीज ड्रिंक्स अपार्ट फ्रॉम कोक, स्प्राइट, ये सारे जो कैंस अवेलेबल है उसके अलावा। तो ये था वीडियो हल्दीराम पे। नाउ इफ यू कम टू पुणे रेलवे स्टेशन, देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट फूड। अच्छी क्वालिटी का क्लीन और टाइडी एनवायरनमेंट में आप बैठ के यहाँ पर खा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो पुणे आने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करिए, सो दैट दे विल बी टेंशन फ्री व्हेन दे कम टू पुणे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।